बिग बॉस के घर में बीते दिन ही पारस छाबड़ा ने धमाकेदार एंट्री मारी है। बिग बॉस 14 के घर में आते ही पारस छाबड़ा ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है। देवलीना भट्टाचार्य जी को सपोर्ट करने की जगह पारस छाबड़ा घर के लोगों का गेम खराब करते नजर आए। राखी सावंत से लेकर राहुल वैद्य हर कोई पारस छाबड़ा के तेवर से परेशान नजर आया। वहीं गेम के बीच में पारस छाबड़ा एजाज खान का जिक्र करते दिखे। राखी सावंत से बात करते समय पारस छाबड़ा ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पवित्र पुनिया के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। नेशनल टीवी पर पारस छाबड़ा ने पवित्र पुनिया के अतीत के बारे में काफी राज खोल दिए। इतना ही नहीं, पारस एजाज खान और पवित्र पुनिया के रिलेशनशिप का भी मजाक बनाते हुए दिखे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पवित्र पुनिया के बारे में खुलासे करके पारस छाबड़ा एजाज खान का गेम खराब करना चाहते हैं। पारस चाहते हैं कि इन सब खुलासों की वजह से एजाज और पवित्रा की इमेज खराब हो जाए ताकि फैंस एजाज को वोट ना करे। ये हम नहीं कह रहे बल्कि देवलीना भट्टाचार्य जी के साथ सीरियल साथ निभाना में काम कर चुकी को स्टार काजल पिसाल ने इस बात का खुलासा किया है। एक एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल से बात करते हुए काजल ने कहा कि मुझे लगता है कि पारस देवलीना भट्टाचार्य जी का कनेक्शन बनकर नहीं आया है, पारस का कुछ और ही मकसद है। एक दर्शक होने के नाते मुझे लग रहा है कि पारस गेम में देवलीना को सपोर्ट नहीं कर रहा। मेकर्स को देवलीना के पार्टनर के तौर पर किसी और को ही चुनना चाहिए था। आगे काजल पिसाल ने कहा, बीते एपिसोड को देखने के बाद मुझे लगा कि पारस छाबड़ा बाहर से प्लानिंग करके आया है कि उसे किसके बारे में क्या बात करनी है। वो बार बार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पवित्र पुनिया के बारे में बात कर रहा है। वो बार बार एजाज खान का मजाक भी बना रहा है। वेल, तो आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिए।